सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो सेशन। अगर आप ESIC MTS एग्जाम 2022 निकालना चाहते हैं, इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण से कम नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आपको फोर बेस्ट टिप्स बताने वाला हूं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे। और ये वो टिप्स है जो कोई भी सक्सेस कैंडिडेट अपनी लाइफ में अडेप्ट करता है, ठीक है, टू क्रैक एग्जाम। अब दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो है, लेकिन आपके लिए ये हजारों वीडियो से बढ़कर होने वाला है। तो पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो चीजें मैं बता रहा हूं वो एक बार आप करके देखिएगा। डेफिनेटली आपको अपने आप पर ये भरोसा हो जाएगा कि आप इस एग्जाम को क्रैक करने वाले हो। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपने जितनी तैयारी करनी थी वो आपने कर ली है। जितना भी टाइम आपके पास में बचा है, उस टाइम में आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं। आपको उसी में कुछ नया नहीं करना है, मैं उसी के अंदर ही आपको बताऊंगा कि क्या करना है। देखिए, अब आप जो मॉक टेस्ट लगाओगे इस वीडियो को देखने के बाद में, उसमें आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। नंबर एक, सबसे पहले आपको अपना फेवरेट सब्जेक्ट लेना है। मान लीजिए आपका फेवरेट सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आप इसको सबसे पहले सॉल्व कीजिए, ठीक है। पहला टिप ये है कि आपको सबसे पहले अपना फेवरेट या सपोर्टिव सब्जेक्ट ही सॉल्व करना है, नंबर एक। नंबर दो आपको क्या करना है, नंबर दो में आपको बाकी जो तीन सेक्शन बचे हुए हैं, जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, इनके वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको आ रहे हैं, ठीक है। आपको एक भी तुक्का नहीं लगाना है। ऑनेस्टली जितने सवाल आपको आ रहे हैं, खाली वो सवाल निकालने हैं। दो चीजें क्लियर हो गई। अगर आपने दो अटेम्प्ट्स के अंदर 70+ क्वेश्चन सही कर लिए, 70+ क्वेश्चन सही कर लिए, तो आपको उस मॉक टेस्ट में या उस प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चन और लगाने हैं। 10 क्वेश्चन वो होने चाहिए जिनमें आपको लगता है कि मेरा 50% सही है और 50% गलत है, यानी सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि उसमें आपको तुक्का लगाना है, ठीक है, जिसमें आपको लगे कि कोई दो ऑप्शन में से आपका एक सही होने वाला है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 10 ही सवाल ऐसे करना है। ऐसे में टोटल आपने कितने क्वेश्चन कर लिए, टोटल आपने 80 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अगर आपने 80 क्वेश्चन किए हैं, उसके बाद में आप उस मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस कीजिए, आपने कितने सवाल सही किए। मान लीजिए आपने उसमें 65 क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है, 65 क्वेश्चन सही किए हैं, या फिर आपने 60 क्वेश्चन सही किए हैं, या फिर आपने 55 क्वेश्चन सही किए हैं, कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उन 80 में से आपने कितने सवाल गलत किए हैं। अब सपोज आपने 80 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन जो है वो गलत कर दिए हैं, वो 15 क्वेश्चन गलत किए हैं तो कौन से सब्जेक्ट के किए हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। मान लीजिए इंग्लिश में आपने 5 क्वेश्चन गलत कर दिए, जनरल अवेयरनेस के अंदर आपने 7 क्वेश्चन गलत कर दिए, और बाकी जो आपके तीन सवाल है वो मान लीजिए आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में गलत कर दिए। तो इस तरह से आपने कितने सवाल गलत किए, 15 सवाल आपने गलत किए हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सबसे कम सवाल जिस सेक्शन में या जिस सब्जेक्ट में आपने कम किया है गलत, आपको उसको सॉल्व करना है। जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपने मात्र तीन ही सवाल गलत किए हैं, तो वो तीन सवाल किस टाइप के हैं और कौन सी एक्सरसाइज या कौन से टॉपिक के हैं, वो टॉपिक आप निकाल लीजिए और क्यों गलत हुआ उसका आप कारण एक बार समझ लीजिए, ठीक है। ज्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा आपको टू द पॉइंट काम करना है। उसके बाद में जिस सब्जेक्ट में आपके पांच सवाल गलत हुए हैं, आपको उसमें जाना है, कौन से टॉपिक के पांच गलत हो रहे हैं उसको आपको समझ लेना है। उसके बाद में क्या करना है, उस सब्जेक्ट या उस सेक्शन में जाना है जिसमें आपने ज्यादा सवाल गलत किए हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आप अपने मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट का विश्लेषण करोगे, एनालिसिस करोगे, तो आप डेफिनेटली एग्जाम के अंदर 10 से 15 सवाल सही करके आओगे। कहने का मतलब यह है कि जो सवाल आपके गलत हो रहे थे, अब वही सवाल आपके एकदम सही होने लग जाएंगे। और यह काम कम से कम आपको 3 से 4 प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट में करना है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट लगा रहे हो, जिस भी बुक से आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, आपको यह काम करना सबसे जरूरी है, ठीक है। अगर ये करते हो तो डेफिनेटली आप 10 से 15 सवाल सही करके आओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मेरी बात जो ध्यान से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि अब तक आपने योर एग्जाम हेल्पर की बेस्ट ईबुक परचेज नहीं की है तो जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें
करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। डेफिनेटली एग्जाम में यहां से सवाल आपको देखने को मिलेंगे 100%। अगर आप ये ईबुक निकाल लेते हैं एक से दो बार तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 200% होगा। साथ में आपको ये महसूस होने लग जाएगा कि आपने जनरल अवेयरनेस की भी बेहतरीन प्रिपरेशन कर ली है। इन दोनों ही ईबुक का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और फर्स्ट कमेंट में भी दिया है। बहुत सारे लोगों ने इन ईबुक्स को निकाल भी लिया है, बहुत बढ़िया। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक नहीं पता, तो उनको मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फर्स्ट कमेंट में लिंक है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए। आपको दोनों ईबुक निकालने में 8 से 10 घंटे का टाइम लगेगा। आराम से आप निकालिए, तसल्ली से निकालिए, करंट अफेयर्स की शानदार कवरिंग हो जाएगी और साथ में स्टैटिक जीके के जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोरिंग 30 टॉपिक्स बताए थे वो सारे के सारे इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जनरल अवेयरनेस के अंदर भी आप शानदार स्कोर करके आने वाले, ठीक है? तो जरूर आप जाइए और चेकआउट कीजिए। बाकी दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी लोग ESIC MTS एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करके रखें, ताकि आने वाले हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है? उम्मीद है आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है, तो इसी तरीके से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर ये वाला वीडियो सुन आपको अच्छा लगा है, आपको महसूस हुआ है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, तो जरूर कमेंट में अपना ओपिनियन, जो भी आपका विचार है जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।